अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर करिए से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही रेडी टू वियर साड़ी गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। इस रेडी टू वियर साड़ी को साड़ी गाउन भी बोलते हैं। इसके लिए हमने दुपट्टे के लिए अलग से फैब्रिक लिया हुआ है, 2.5 मीटर फैब्रिक है और इसके लिए हमने 10 मीटर ये वाली लेस भी ली है। 4.5 मीटर हमने सिल्क फैब्रिक लिया है। पहले हम लोग दुपट्टे पे लेस लगा लेंगे। लेस लगा लेने के बाद जो लेस बचेगी उस लेस से हम लोग नेक और स्लीव्स पे डिज़ाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस स्टाइल में हमें ये ड्रेस बनाना है। इस तरह से दुपट्टे को हमें इसके ऊपर ओवरलैप करना है। एक साइड से दुपट्टे को लेना है और फिर इसको इस तरह से ओवरलैप करते हुए साड़ी के शेप में इस तरह से दुपट्टे को बना लेना। बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा लुक आता है इस ड्रेस का। तो हमारी ये जो ड्रेस बन के रेडी होने वाली है, ये पार्टी वियर ड्रेस मैं बना रही हूँ। और लेस को मैं चारों तरफ दुपट्टे में पहले लगा लेना है। इस किनारे वाली साइड पे हमें फोल्ड नहीं करना है क्योंकि इसमें पतली पतली कोर बनी हुई है। दोनों साइड पल्लू की साइड हमें फोल्ड करना है। और इस दुपट्टे की एक खास बात और है कि इसमें एक ही साइड ये वाला बड़ा वाला फ्लावर बना हुआ है, जिस तरह साड़ी में एक साइड पल्लू पर डिज़ाइन बनी होती है। तो अब पहले गाउन की मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें अपने गाउन की रेडी लेंथ लेना है, जितनी लेंथ आपको चाहिए शोल्डर से लेके नीचे टॉप तक, नीचे तक मतलब कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। तो हमारी रेडी लेंथ जो है वो 54 होने वाली है, 54 लेंथ है। तो यहाँ पे 54 हमने पहले लिख लिया है। गाउन को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो पहले गाउन की इस तरह से ड्राइंग कर लेंगे। टॉप से लेके नी तक मतलब घुटने के ऊपर तक हम लोग एक मेज़रमेंट लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेज़रमेंट करेंगे। तो ये मेज़रमेंट रेडी जो होने वाली है वो 35 इंच, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग का, आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से। तो 36 इंच ऊपर वाले टॉप की लेंथ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक घुटने के ऊपर। जब भी आप कभी मेज़र करें घुटने के ऊपर तक मेज़र करें, ये तब जस्ट घुटने के पास ऊपर से तक मेज़र करें। तो ये जो लेंथ रहेगी 36 इंच रहेगी। 54 से 36 में हम माइनस करेंगे तो ये कितना बच रहा है, 18 इंच। नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो रेडी जो रहेगा वो 18 इंच का रहेगा, लेकिन हमें ऊपर से भी आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा और नीचे 1.5 इंच फोल्डिंग करने में जाएगा। इसके लिए 18 की जगह हम लोग 20 लेंगे, यहाँ पे और नीचे दोनों फोल्डिंग है, 18 के बजाय 20 लेंगे। इसको भी ऊपर वाला 36 लेंगे, नीचे वाला 20 लेंगे। तो अब हमारी ये मेज़रमेंट निकल गई है। अब पहले हम लोग इस सिल्क फैब्रिक से कटिंग करेंगे टॉप पार्ट की। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये फैब्रिक है। ये सिल्क फैब्रिक है लेकिन बहुत ही शाइनी और डबल शेडेड ये फैब्रिक होता है, हमें बहुत पसंद आ रहा था। इसके लिए हमने सोचा कि इसी फैब्रिक से हम ये ड्रेस रेडी कर लेते हैं। 36 इंच पे लेंथ में इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसको डबल कर लेंगे क्योंकि अगर हम लोग इसे फोल्ड करके बनाएंगे तो इसकी चौड़ाई बराबर नहीं आएगी, इसलिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे कट लगा कपड़े को इस तरह से फाड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसे कट करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर नहीं कट होने वाला। अब इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके सेट करके रखेंगे, पहले से आयरन से अच्छी तरह सेट कर लेंगे। 18 इंच की चौड़ाई इस तरह से रहेंगे। ये 4 फोल्ड है, फोल्डेड साइड मेरी अपनी साइड है। 18 इंच चौड़ाई हमने रख ली है। अब शोल्डर से मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। 6.5 इंच शोल्डर की विथ रखेंगे, 3.25 इंच नेक की विथ रखेंगे, 1/2 इंच शोल्डर को स्लोप रखेंगे। 1/2 इंच शोल्डर को स्लोप रखने के बाद अब 6.5 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे, 9 इंच चेस्ट की विथ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। 6.5 इंच वेस्ट लेंथ के लिए भी मार्क कर लेंगे, 8 इंच वेस्ट की विथ रखेंगे, 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखते हुए क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरह की स्केल से ए लाइन शेप में मार्किंग करेंगे। नीचे वाली जो हमारी विथ है वो 17 इंच अभी हमने रखी है और यहाँ पे 1.5 इंच मार्क करके हल्का सा राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। अभी हमने इस ए लाइन की जो विथ है वो 17 इंच रखी है, लेकिन बाद में हम इसको 2 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि जब नीचे वाली लेयर हम रेडी करने के बाद इस पर एडजस्ट कर रहे थे तो इसकी जो लुक है और इसकी फिटिंग अच्छी नहीं दिख रही थी क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा था। इसके लिए साइड से हम 2 इंच माइनस करके स्केल को ए लाइन शेप में रख के लाइनिंग करके इसको कट कर लेंगे।
और तभी नीचे वाली लेयर इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो पाएगी। अब इस बचे हुए कपड़े से हम लोग स्लीव्स बनाएंगे, इसको साइड करेंगे, बाद में इसे स्लीव्स कट करेंगे। अब इसमें से एक पार्ट को अलग करेंगे, अब इसको अच्छी तरह सेट करेंगे और फ्रंट आर्म होल के डीप मेजरमेंट कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड आर्म जो है नेक की जो कटिंग करेंगे वो कैनवास पेपर पे करेंगे या फ्यूजी पेस्टिंग पेपर पे करेंगे। बाद में उसके ऊपर हमें लेस कनेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग इस पर नेक नहीं कट करेंगे। बैक वाला पैनल है, बैक वाले नेक की डीप मेजरमेंट करेंगे 2.5 इंच पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इसको रेडी कर लेंगे। टॉप पार्ट का हमारा दोनों पीस कट गया है। अब ये बचे हुए कपड़े से साथ साथ स्लीव्स कट कर लेंगे साइड से। ये तकरीबन 15 इंच लेंथ है इसकी और 9 इंच विड्थ रखते हुए इसे कट करके डिवाइड करेंगे। यहाँ से ऊपर से कपड़े को पहले सीधा करेंगे और 3.5 इंच डीप मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से 7 इंच विड्थ रखते हुए स्लीव्स का मार्क करेंगे। कर्व शेप में इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस मार्किंग करते हुए स्लीव्स की सिंपल सी कटिंग करेंगे। अभी सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और स्टिचिंग वाली जगह पे भी एक कट लगा लेंगे। इसको ओपन करेंगे, दोनों पीस को ओपन करके फ्रंट साइड 1/2 इंच डीप कट करके यहाँ पे भी कट लगा लेंगे ताकि हमें ये याद रहे कि ये हमारा फ्रंट साइड एडजस्ट होगा। इसकी लेंथ जो है ये 15 इंच है तो सारी पे इतनी लेंथ स्लीव्स की परफेक्ट होती है। अब 20 इंच पे एक मार्क करेंगे कपड़े की सीधी साइड। हमें कभी भी फ्रिल जो बनाना है या कोई प्लेट बनाना तो बेड़े कपड़े से हमें नहीं बनाना, कभी भी बनाना है सीधे और खड़े कपड़े से बनाना। इस तरह कट करेंगे और दोनों साइड मेज़र करेंगे कि दोनों साइड बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल इक्वल आया है कि नहीं। ये बिल्कुल इक्वल है। 20-20 इंच की हम 3 लेयर कट करेंगे और इस पर प्लेटें बना के एडजस्ट करके चेक करेंगे कि ये हमारे अपर वाली लेयर में कहाँ तक एडजस्ट हो पा रहा है। तो ये 3री लेयर है, सेम हमें 20-20 इंच में ही कट करना है। और कट यहाँ पे पहले कट लगाएंगे और इंची टेप को जब भी रखेंगे इसी तरह रखेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को टियर करके अलग करेंगे। ये हमारी 3 लेयर हो गई है। हमें उम्मीद है कि 3 लेयर में ये प्लेटें बनके एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास अभी 1/4 मीटर कपड़ा बचा हुआ है, तो बाद में हम इस कपड़े से और लेयर बना के एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले टॉप पार्ट के फ्रंट साइड के नेक की स्टिचिंग करेंगे। इसको देख सकते हैं हमने इस तरह से कट कर लिया है और सेंटर पे एक मार्क किया, ऊपर भी एक छोटा कट लगाया है सेंटर पे। यहाँ पे एक बार चौक से और मार्क करेंगे और टॉप पार्ट के सेंटर पे भी चौक से मार्क कर लेंगे, लेकिन इसको अच्छी तरह बराबर सेट करके ही मार्क करेंगे। यहीं से हमारे कपड़े की जो फिनिशिंग स्टिचिंग के टाइम शुरू होती है। जब हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तभी जाके हमारे ड्रेस में अच्छी फिनिशिंग आ पाएगी। अभी इसको अच्छी तरह सेट करेंगे, सेंटर को सेंटर पर मिलाएंगे और टाचनी से इस तरह से सेट कर लेंगे। अब नेक की स्टिचिंग जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारा कैनवास पेपर इसके साइड से हमें स्टार्ट करना है। इसके ऊपर हमारी स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ही हल्के हाथों से नेक को स्टिच करेंगे। वैसे भी हमारे ये सिल्क फैब्रिक है तो हम इसे बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्टिच करेंगे। और अगर स्टिच करने के टाइम हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ झुकेगा तो इससे हमारी स्टिचिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। हमें कपड़े को मशीन के ऊपर पूरा रख के ही तभी स्टिच करना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े कट करेंगे और अब अंदर की साइड राउंड वाली जगह पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो जहाँ कहीं भी कर्व वाला शेप हो वहाँ पे हमें कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह से फिनिशिंग अच्छी होती है। अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे और आयरन से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको आयरन भी कर लिया है। सेम इसी तरह आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपकी भी ड्रेस बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो पाएगी। तो किसी भी स्टेप को आप स्किप ना करें। इस तरह पिन से यहाँ पे सेट करेंगे और पहले इसकी तुरपाई करेंगे। तुरपाई कर लेने के बाद ही हम लोग इस पर पहले लेस अटैच करेंगे, उसके बाद शोल्डर को कनेक्ट करेंगे। तो हमने इसकी तुरपाई भी कर ली है। अब ये रही हमारी लेस। इस लेस को हमें यहाँ पे अटैच करना है, लेकिन हमारी लेस तो बिल्कुल सीधी है और ये हल्की कड़क सी भी है। तो इसको सही मेथड से हम बताएंगे किस तरह से इसको हमें यहाँ पे अटैच करना होगा। पहले डबल डोरी का धागा लेंगे और इसमें छोटे छोटे स्टेप से हम लोग इस पर स्टिच करेंगे, सुई धागे से इस पर स्टिच करेंगे इस तरह से।
तो जितनी हमारे नेक में लगने वाली है वहाँ तक हम इसको स्टिच करके सुई धागों को सेम इसी स्टेप में छोड़ेंगे और फिर जहाँ कर्व वाली जगह आएगी वहाँ पे धागे को खींच के इस लेस को गेदर करेंगे। तो अब ये कर्व वाली जगह आ गई है तो यहाँ पे हल्का हल्का गेदर करेंगे और धागे को हमने इसी तरह लगा रहने दिया है। अब कर्व वाली जगह पास हो गई, अब सीधी वाली जगह आ रही है, यहाँ पे लेस को गेदर नहीं करना। फिर सेकंड नेक्स्ट में यहाँ पे कर्व वाली जगह आ गई तो धागे को खींच के हल्का सा लेस को गेदर कर लेंगे और ये काम है बहुत ही फिनिशिंग से और आहिस्ता आहिस्ता करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। अब नेक्स्ट में हम लोग साइड से डबल स्टिच करके लेस को अच्छी तरह फिक्स करेंगे, लेकिन ये जो उस साइड साइड से कुटका बना हुआ उसके बाहर हमें लेस नहीं निकाल स्टिच नहीं निकालना, अंदर की तरफ करना है। अब आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से ये लेस अटैच हो गई है, इस तरह लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई हैंड वर्क हुआ है। ये लेस बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ पे लगने के बाद। अब स्लीव्स के बराबर हम लोग दोनों स्लीव्स के बराबर लेस कट कर लेंगे और अभी इसमें धागा लगा हुआ है तो लेस को स्लीव्स पे अटैच कर लेंगे सर। अब ये जब लेस को अटैच करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारी फ्रंट साइड की दोनों स्लीव्स बराबर हैं, कोई उल्टी सीधी ना होने पे। अक्सर ये गलती लोगों से हो जाती है, पहले दोनों स्लीव्स को रख के और फिर हमें चेक कर लेना, फिर लेस को अटैच करना है। और लेस में से बचे हुए जो टुकड़े हैं उससे हम लोग फ्लावर कट करके अपनी स्लीव्स पे अटैच करेंगे, बाद में उसको हम लोग फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करेंगे। अब दोनों शोल्डर को कनेक्ट करेंगे और बैक वाली जो पट्टी है फ्रंट की साइड ओवरलैप करके यहाँ पे स्टिच को लॉक करेंगे। और शोल्डर पे हमें जब भी स्टिच करना है तो डबल स्टिच करना, और जो स्टिच करना है वो स्टिच के ऊपर ही करना है, इस तरह से जो स्टिच की फिनिशिंग होती है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है। छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ से शोल्डर के ऊपर से इसको ओपन करेंगे और जो लेस ऊपर की तरफ निकली हुई है उसको कट करेंगे इस तरह से ये लेस। अब इस साइड से भी एक्स्ट्रा लेस को निकालेंगे और इसको कट करेंगे, बाद में इसके ऊपर ओवरलॉक कर लेंगे। इस तरह से करने से ये लेस जो है चुभ नहीं सकेगी, तो अच्छी तरह से इसके ऊपर ओवरलॉक करेंगे और साइड वाली स्टिच करेंगे। तो साइड वाली स्टिच करना भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कट को कट में ऊपर से मिलाएंगे और नीचे वाले कट को भी मिलाएंगे, कपड़े को लूज़ रखेंगे और हाथ को इसके ऊपर इस तरह से रख के बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पे आके हम लोग कपड़े को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से टर्न करेंगे और कपड़े को हमें टाइट से खींच के नहीं रखना, हल्के लूज़ रखना है। तो जब ए लाइन शेप की तरफ आएंगे तो यहाँ भी कपड़े को लूज़ रखना है और हाथ को इसके ऊपर रखना है, इस तरह से फिनिशिंग अच्छे से हो पाएगी। अब इसके ऊपर एक दूसरी स्टिच भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो स्टिच बिल्कुल सेम उसी स्टिच के ऊपर ही होना है, आगे पीछे नहीं होना है। इस तरह से हमारी ड्रेस में फिनिशिंग आती है और ये स्टिचिंग जो है अच्छी तरह से बैठ जाती है। सेम इसी मेथड से हम लोगों ने स्टिच कर लिया। अब ये जो फ्रिल वाला पोर्शन है इसको हमने कनेक्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया तीन लेयर को। अब यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमें प्लीटें लगाना है, तो सिल्क कपड़े पे हम प्लीट जो है आसानी से नहीं लगा सकेंगे। तो इस मेथड से हम लोग इसमें प्लीटें लगाएंगे, इस कांटे वाले चम्मच से 1 इंच गहरी प्लीटें इसमें एडजस्ट करेंगे और इस तरह करने से बहुत ही आसानी से और जल्दी से इसमें प्लीटें एडजस्ट हो जाएंगी। कॉटन फैब्रिक होता है तो उसमें किसी भी तरह से बन जाता है, लेकिन सिल्क फैब्रिक में आपको बराबर बराबर अगर उन पर प्लीटें लगाना हो तो ये आसान नहीं होगा। तो इस मेथड से आप बना सकते हैं, आपको कहीं ज़्यादा प्लेटें गेदर करना है लगाना है तो ये 1-1 इंच डीप प्लेटें हो रही है। तो तीन लेयर हमने स्टिच कर लिया है, इसमें कनेक्ट कर लिया था। अब ये हमारी जो जॉइंट वाली जगह है उसको हम अंदर कर देंगे प्लेट लगा के। अब तीन तक तो हमारी ये प्लीटें बन गई है, ये चौथी लेयर कट करके हमने इसमें एडजस्ट की हैं, क्योंकि तीन में ये काफ़ी नहीं होता, हमें पहले ही ये शक था कि तीन में ये प्लीटें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, तो हमने चार लेयर कट करके उसमें प्लीटें बना ली हैं। अब हमारे टॉप पार्ट रेडी हो गया है, पहले इसकी ए लाइन की विथ आपको दिखा देते हैं। तो इंच टेप से इस तरह से इसकी विथ मेज़र करते हैं तो ये 28 इंच पे बन के रेडी हुआ है। पहले ही हमने आपको बताया था साइड से हमने 2-2 इंच माइनस करके कट कर लिया था। तो जब भी आपको इस तरह से कट करना हो तो स्केल से ए लाइन शेप में माइनस करके कट कर सकते हैं। अब ये हमारी नीचे वाली लेयर बनके रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें घेर आ रही है। अब हमें नीचे वाली लेयर को अपने अपर पार्ट में कनेक्ट करना है, तो पहले साइड से हम इसको बंद करेंगे जो साइड से ओपन वाली साइड, और फिर इसको राउंड स्टिच करके इस पर अटैच करेंगे।
तो हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने का मेथड भी हम आपको बता देते हैं। हमने इसको पहले तो अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी इसकी प्लेटें बनके रेडी हुई हैं। हम यहाँ पे आपको करीब से दिखा रहे हैं कि मेन तो इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी प्लेटें ही हैं। बाद में इस ड्रेस की जो ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है इसके फ्लेयर से ही आ रहा है। नीचे की तरफ इसमें हमने ओवरलॉक कर लिया है, यहाँ साइड साइड में पूरे में हमने ओवरलॉक कर लिया है। और जब इस पर आप इस फ्रिल को अटैच करें तो जो नीचे अरे हमारी ए लाइन वाली है उसको हमें नीचे रखना है और इस गैदरिंग वाले पार्ट को ऊपर रखना है, तभी जाके आप इसको कनेक्ट करेंगे, वरना ये ख़राब हो सकता है क्योंकि ऊपर में हम लेयर में स्टिच है और नीचे में स्टिच नहीं है, फिर बाद में वो स्टिच दिखने लगती है तो बहुत भद्दा लगने लगता है। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे तो नीचे वाले जो स्टिचिंग का पार्ट है आधा इंच वो ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसी के ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। जब ये स्टिच हम लोग करेंगे तो बिल्कुल बराबर हमें करना है क्योंकि अगर ये कहीं भी कम ज़्यादा हुई तो बिल्कुल सामने दिखने वाली है और भद्दी लगेगी। तो हमें यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल इक्वल होके इस स्टिच को करना है। नीचे हमने 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा था लेकिन हमने इसको आधा इंच में ही फोल्ड कर लिया, बहुत पतला पतला, क्योंकि हमने सैंडल की जो लेंथ थी वो नहीं मेज़र की थी। तो हमारी बेटी को जो चाहिए थी वो सैंडल लेंथ वाली फ्रॉक चाहिए थी तो इसके लिए हमने इसको पतला ही फोल्ड कर लिया। अभी इस बची हुई लेस से हमने इस फ्लावर को छोटे छोटे फ्लावर को कट करके अलग कर लिया है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे तो इसकी लुक और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इस फ्लावर को फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से पेस्ट करेंगे, बाद में इसको थोड़ा सा आयरन करके और हीट करके और अच्छे से पेस्ट कर लेंगे तो अच्छी तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। तो दोनों स्लीव्स में हम लोग फ्लावर को पेस्ट कर लेंगे। सेम उतना ही फ्लावर, उतनी ही लेस बची थी जितना इसमें चाहिए था, सारी लेस जो है सब फिनिश हो गई। तो 10 मीटर हमारी लेस जो है इसमें एडजस्ट हुई है, स्लीव्स भी हमारी बन के रेडी हुई है। अब इसको स्टिच करने से पहले एक बार आर्म होल से स्लीव्स को मेज़र कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल को रखेंगे और आर्म होल को थोड़ा सा खींच के ही इस पर मेज़र करेंगे, टाइट करके तभी मेज़र करेंगे। स्लीव्स को हमें नहीं टाइट करना लेकिन आर्म होल को हमें जो है उसको टाइट करके मेज़र करना। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ये रेडी टू वेयर सारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। आप इसे एज अ गाउन भी पहन सकते हैं और साड़ी बना के भी इसको पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के रेडी हुई है। सिल्क फैब्रिक भी बहुत ही प्यारा था और इसका दुपट्टा मैंने स्क्रैप से लिया हुआ था। दुपट्टा तो मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था लेकिन लेस महंगी थी। लेस 250 रुपये की 10 मीटर लेस थी और ये दुपट्टा 150 का था और फैब्रिक जो है वो 100 रुपये मीटर मिला हुआ था। तो 4.5 मीटर फैब्रिक में मैंने ये ड्रेस रेडी करी है लेकिन उसमें से थोड़ा फैब्रिक आधा मीटर बचा हुआ था। तो आप चाहें तो 4 मीटर फैब्रिक लें तो उससे आपकी परफेक्ट तरीके से ड्रेस बनके रेडी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये ड्रेस डिज़ाइनिंग ज़रूर पसंद आई होगी और ये ड्रेस काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा ही आजकल इसे लोग ऑनलाइन भी मंगाते हैं और इसे रेडी भी करवाते हैं। तो आपको हमारी ड्रेस डिज़ाइन कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूलिए और किसी ना किसी को ज़रूर शेयर कर दिया करें क्योंकि आप लोगों से हमें काफ़ी उम्मीद है। आपकी एक लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।